ढाबा होटल रेस्टोरेंट सब भूल जाएंगे जब इस सीक्रेट ट्रिक से ये खुशबूदार ढाबे से भी बढ़िया दाल घर में बनाएंगे। तो बस आज मैं आपके लिए एकदम वो सीक्रेट तरीका लेकर आई हूँ, कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना होगा, ढाबे रेस्टोरेंट से बढ़िया दाल हर बार आपके घर में बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढाबा स्टाइल चना दाल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप चना दाल। कोई भी मेजरमेंट के लिए घर की कटोरी या कप ले लीजिए, पूरी दाल का मेजरमेंट आप उसी अनुसार कर सकते हैं, आपको रेशो में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब साथ ही जाएगी ढाबे और रेस्टोरेंट की वो सीक्रेट चीज जो जरूर डाली जाती है दाल तड़का में, और वो है ये 1/4 कप मूंग दाल। यकीन मानिए, आप थोड़ी सी मूंग दाल इस चना दाल मसाला में डालकर देखिएगा, जबरदस्त तो टेक्सचर आएगा, प्रॉपर बाइंडिंग मिलेगी, और वो जो शिकायत होती है दाल में कि दाल का पानी ऊपर आ गया, दाल बिखरी बिखरी सी है, उसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आई, तो बस ये मूंग दाल वही काम करेगी। अब यहाँ पर हमें दाल को पहले बढ़िया से धो करके भिगोना होगा, 2 से 3 बार एकदम बढ़िया से धो लेंगे, जिससे कि जो भी दाल वगैरह में डस्ट या केमिकल्स लगे होते हैं वो सारे निकल जाएं और दाल फूल जाए, जिससे कि जब हम दाल को पकाएं तो गैस भी कम लगे और जल्दी दाल पक जाए। लीजिए, अच्छे से धोकर के दाल को हम भीगने के लिए रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए, जिससे ये बढ़िया से फूल जाए। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारी दाल फूल गई है, तो बस इस स्टेज पर ये वाला पानी सारा निकाल देंगे। अब आप यहाँ गैस पर चढ़ाइए कुकर, और कुकर में हम अपनी तैयार दाल सारी डाल देंगे। अब दाल हमने ली थी 1 कप + 1/4 कप, तो उस अनुसार मैं यहाँ डाल रही हूँ 3.5 कप पानी। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब भी आप दाल बनाएं तो दाल पूरी बढ़िया तरीके से डूब जानी चाहिए पानी में, इतना भर तक हमें पानी चाहिए, क्योंकि अगर कम भी पड़ता है तो बाद में गर्म पानी डालकर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। एक अच्छी दाल बनने की शुरुआत होती है इस स्टेप से। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी काली इलायची, साथ में यहाँ हम डालेंगे 2 लौंग। अगर आपके पास ऐसी बड़ी वाली इलायची ना हो तो 2 हरी इलायची डाल लीजिएगा। यही करते हैं ढाबे और रेस्टोरेंट पे, तब आता है वो खुशबूदार स्वाद दाल के अंदर। बाकी यहाँ ज्यादा कुछ चीजें नहीं डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, यहीं पर जाएगा 1/2 छोटी चम्मच नमक, जिससे कि कलर बढ़िया आए। साथ ही यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। घी यहाँ पर डालने से एक तो जो दाल का पानी है निकल निकल कर बाहर नहीं आएगा, दूसरा दाल में स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इस पर हम लगाएंगे लिड, लेकिन लिड लगाने से पहले एक ट्रिक, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा घी या तेल लगा दीजिएगा, इससे सीटी आते वक्त पूरा पानी निकल निकल कर बाहर नहीं आएगा, कुकर ज्यादा गंदा नहीं होगा। अब यहाँ हाई फ्लेम पर कुकर पर लगाएंगे लिड, और लिड लगाकर इसमें हम लेंगे 1 से 2 सीटी, ज्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे, वरना क्या होगा, बहुत ज्यादा मैशी हो जाएगी, बाद में जब फ्राई करेंगे तब भी वो उबलेगी, इसलिए बस इतना भर बहुत है। जैसे ही दूसरी सीटी आनी शुरू हो तुरंत गैस को बंद कर दीजिए। और ये लीजिए, 1.5 सीटी के करीब आ गई थी, मैंने गैस को बंद कर दिया था और पूरा प्रेशर निकल चुका है। अब हम धीरे से ढक्कन को खोलेंगे, परफेक्ट। ये देखिए, दाल ना तो घुटी है और ना ही दाना खड़ा खड़ा है, परफेक्ट है जितनी पकनी चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी स्टेप है, एकदम दानेदार दाल जो दिखनी चाहिए ना, मतलब कटोरी में सर्व करें तो पता तो चले किस चीज की दाल है, तभी तो मजा आएगा। अच्छा, आपने एक चीज गौर करी, पानी पानी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें मूंग दाल डाली थी, तो हमारी चना दाल को बाइंडिंग भी मिल गई है, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी मुझे यहाँ लग रही है। अगर आपको ज्यादा गाढ़ी लगे तो यहाँ पर गर्म पानी ऐड करके आप उसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज कर सकते हैं, या बाद में फ्राई करते वक्त भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। गैस पर चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई या पैन, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। दाल वगैरह का फ्लेवर घी से बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ ही यहाँ डालेंगे 2 पिंच हींग। हींग डाइजेशन में भी फायदा करती है और दाल में इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया से जीरे को तड़का लेंगे। अब यहाँ मैंने ली है चॉप्ड प्याज, 2 प्याज ली थी मैंने, बिल्कुल इस तरह से बस बारीक कट कर लिया है। सारी प्याज यहाँ पर डालकर फ्लेम को कर देंगे हाई, हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को भूनेंगे, बस इतना भर कि हल्का सा गुलाबी पर आ जाए। प्याज हमेशा थोड़ी सी हाई फ्लेम पर ही भूने, इससे क्या होगा कि वो जल्दी भुन भी जाएगी, पानी नहीं छोड़ेगी। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ जिससे जो लोग नए हैं या कुकिंग बहुत ज्यादा नहीं आती तो उनको हेल्प होगी। और प्याज को भूनते वक्त लगातार चलाए जरूर, जिससे सब तरफ से सामान ये गुलाबी हो। ये देखिए, प्याज में भी हल्का गुलाबीपन आना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में जाएगा 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक। दरदरा करके डालिएगा अदरक, बहुत अच्छा स्वाद आता है दाल में। पीस के बिल्कुल मत डालिएगा, ना ही अदरक लहसुन पेस्ट डालिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन,
एकदम जबरदस्त टेस्ट आता है इस तरह से दाल में। बढ़िया से लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अदरक और लहसुन को भी पका लेंगे, बस सिर्फ एक डेढ़ मिनट। और ये देखिए सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से पक गई है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच हल्दी और एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बहुत माइल्ड होती है, बहुत मिर्च नहीं होती, रंग अच्छा आ जाता है डिश में। तो अगर आप रेगुलर डाल रहे हो तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए डाल रही हूँ जिससे दाल में ना कलर अच्छा उठ जाएगा। अच्छे से करेंगे मिक्स। जनरली इस रेसिपी को बनाने में हमें जो भी दिक्कतें आती हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बार में ही आपकी जो रेसिपी है 100% परफेक्ट बनेगी। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा टमाटर। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बड़े साइज के लाल वाले टमाटर जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो दरदरा सा मिक्सी में पीस भी सकते हैं। सारा टमाटर यहीं पर डाल देंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। अब टमाटर को जल्दी से पकने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और टमाटर को बिल्कुल बढ़िया से भून लेंगे जिससे कि सारा कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ दो मिनट के लिए आप लिड लगा दीजिए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, सारा कच्चापन टमाटर का निकल जाएगा और टमाटर बढ़िया मैशी हो जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से टमाटर और सारी चीजें पक गई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे जाएंगे थोड़े से मसाले। दाल वगैरह में बहुत ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ जीरा पाउडर। इससे ज्यादा मसालों की कोई भी जरूरत नहीं है इस दाल में, यकीन मानिए बेहतरीन बनेगी आपकी दाल। अच्छे से करेंगे मिक्स। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच पानी, मसाले जलेंगे नहीं, अदरक लहसुन वगैरह का स्वाद एकदम बेहतरीन निकल कर आएगा। जरा सा इसको पका लेंगे। ये देखिए तेल छूट रहा है, एकदम बढ़िया सभी चीजें पक गई हैं। अब यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ वो सीक्रेट ट्रिक जिससे आएगी आपकी दाल में जबरदस्त ढाबे स्टाइल खुशबू। अब ये जो मसाला है ना, इसमें से 2 बड़ा चम्मच मसाला आप अलग निकाल लीजिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। फटाफट से गरम दाल हम डालेंगे अपनी कढ़ाई में, ये लीजिए, और अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब यहाँ पर दाल आपको कितनी गाढ़ी कितनी पतली रखनी है, मतलब रोटी से खानी है या चावल से खानी है, उस अनुसार आप उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जब भी पानी ऐड करें गरम पानी ऐड करें, वरना स्वाद मर जाएगा। कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है जब किसी भी सब्जी का, तो वहाँ पर गरम पानी ही डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गरम पानी, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी परफेक्ट दिख रही है। अच्छे से मिक्स करके लगभग 3 से 4 मिनट दाल को लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जिससे कि सभी चीजों का स्वाद आपस में मिलजुल जाए। और ये देखिए हमारी चना मसाला तड़का फ्राई दाल है बिल्कुल तैयार। कंसिस्टेंसी कलर टेक्सचर देखिए एकदम मस्त। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपकी दाल में, साथ ही फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये गई स्प्लिटेड हरी मिर्च, ऐसे कच्ची हरी मिर्च ऊपर डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। अब लास्ट वाला ट्विस्ट जो हर ढाबे रेस्टोरेंट पर दिया जाता है, अगर आपको बटर वाली दाल या घी वाली दाल पसंद है तो आप चढ़ाइए एक पैन। पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर और थोड़ा सा घी, बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। आप इसे पूरी तरह घी में, पूरी तरह बटर में या बिना तड़का इस तरह बनाए भी दाल को सर्व कर सकते हैं। अच्छे से कर लेंगे गरम। चुटकी भर डालेंगे जीरा और जीरे के तड़कते ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दाल में। 2 सूखी लाल मिर्च और बस इसी स्टेज पर जो भी हमने 2 चम्मच मसाला बचाया था ना वो यहाँ पर डालिए, बढ़िया से कीजिए मिक्स और फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए। और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब जो इसमें धुएंदार ये खुशबू आएगी जो हम पका रहे हैं, या आप देख रहे हैं ना फायर की, बस पूछिए मत, जबरदस्त टेस्ट आएगा आपकी दाल में। या आप देख रहे हैं जो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये सारा धुआं इसके अंदर जा रहा है, तो वो जो स्मोकी वाला फ्लेवर होता है, कोयले वाला जो फ्लेवर होता है, वो आपकी दाल में आ जाएगा। लीजिए बिल्कुल बढ़िया सा हमारा तड़का तैयार है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कुछ अदरक के जूलियंस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे, गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और तुरंत से ये तड़का लगाएंगे अपनी दाल में। फटाफट से करेंगे मिक्स। परफेक्ट, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तुरंत से लगाइए इस पर 1 मिनट के लिए ढक्कन, जिससे कि जो भी आपने इसमें तड़का वगैरह लगाया है ना उसका पूरा फ्लेवर दाल में इंटैक्ट हो जाएगा, यानी समा जाएगा। और ये देखिए हमारी खुशबूदार ढाबा स्टाइल चना मसाला दाल तड़का है बिल्कुल तैयार। फटाफट से करते हैं सर्व। Perfect.
अभी आप इसका कलर, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बना है ना एकदम परफेक्ट, दाना मैश भी नहीं हुआ है, दिख भी रहा है, प्रॉपर बाइंडिंग भी है, खुशबू एकदम जबरदस्त है, मतलब मस्ट ट्राई रेसिपी है। और इसको हम करेंगे अब चावल के साथ सर्व, तो मजा ही आ जाएगा। इस तरह से चना दाल मसाला तैयार हो और साथ में हो हमारे ये ब्राउन अनियन जीरा पुलाव, मजा आ जाता है। पक्के से बनाइए, मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज की ये ढाबा स्टाइल चना मसाला। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।